Let us continue the lesson. Page number 23, last paragraph. Page number 23, last paragraph. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin. समय अच्छा है, धूप का टाइम है, इसलिए कार्टर ने सोचा इसको बाहर रखे तो इसका रेसिन थोड़ा पिघल जाएगा, नरम हो जाएगा. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट. कुछ लोग इसको फारेनहाइट पढ़ते हैं, फारेनहाइट नहीं है, फारेनहाइट. बहुत देर तक वो धूप में रखा, 149 डिग्री फारेनहाइट तक ये गर्म कर दिया. नथिंग बज्ड, कोई अढ़ाई नहीं है. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. Raja ka avashesh tak pahunchne ke liye hame isko chisel karna padega, separate karna padega kisi upakaran ke istemal karke. Cheni wagera jo kehte hai na, isse cheez istemal karke isko hatana padega, tab tak hum surakshit body tak pahunchega. In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर मैं कुछ सही काम नहीं किया, चोर लोग गार्ड को गिरा के इसका अंदर से इसका सोना उठा के ले जा सकता है. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. उनके टाइम के जो रॉयल परिवार के लोग बड़े धनी थे, एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. लोगों को पता है कि मरते समय वो संपत्ति भी साथ लेके जाते हैं. एंड फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स. किंग टट का जीवन भी बहुत शानदार तरीका से, मतलब चमकदार था. वो थोड़ा शौकीन था सबके. Precious collars, necklace, inland necklace and breeches, bracelets. कलाई में जो बांधते हैं ना उसको bracelet कहते हैं. Rings, rings है ना, rings, amulets, amulet ताबीज बांधते हैं ना कोई कोई. ये ceremonial apron, एक तरह का कपड़ा जो विशेष करके पहनता है. Sandals, sheath जो तलवार डालने का कवर होते हैं ना, तलवार बंदूक वगैरह डालने का जो कवर होता है उसको कहते हैं. इसके अलावा सैंडल होता है. फॉर हिज फिंगर्स एंड टोस एंड नव आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क. और उसके पास मास्क भी लगाते थे आलो प्योर गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ मास्क तक वो इस्तेमाल करते थे. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स कार्टर्स मेन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. उसको जो सजा के रखा हुआ और चीज़ें हटाने के लिए कार्टर्स आदमी ने रिमूव्ड द मम्मीज हेड, उसका हेड अलग किया एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. सीवियर्ड मीन्स सेपरेटेड. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ sand in a wooden box with a padding that concealed the damage. और उसके बाद एक एक पार्ट्स ज्वाइन किया
और जॉइंट में वो ऐसे पैड लगा के पैक किया ताकि किसी को पता नहीं पड़े यहाँ कोई जॉइंट है। एंड द बेड वेयर टैट वॉज रस्ट, और जहाँ पर उसको रखा था वहाँ कब्र में ले गया। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटैंशली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, आर्कियोलॉजी आने वाला समय में बदल गए बहुत अलग तरीका से, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेशर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग सोफिस्टिकेटेड टूल्स। ऑर्नामेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया बल्कि फोकसिंग लेस ऑन ट्रेशर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्टरीज ऑफ डेथ। लोग मरने की जो रहस्य बात के बारे में ज़्यादा जानना इच्छा रखा। इट आल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, कई परिष्कृत वेपन का भी इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी इन 1968, मोर दैन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी। एन अनाटमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और 1968 की बात है, अनाटमी प्रोफेसर ने मम्मी का जो एक्सरे करके कुछ और खोज किया, बीनीथ द रेसिन दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उसी से पता पड़ गया कि बस उसके जो रेसिन का नीचे उसका जो पसली था उसमें से कुछ गायब है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यही है सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, जो स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीटी स्कैन हम किसे कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी कि कंप्यूटर की मदद से इस्तेमाल किया हुआ टेक्नोलॉजी। और शरीर का आंतरिक भाग का ज़्यादा जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। असली शरीर का अंदर कई तरह का जो एक्सरे फिल्म्स क्रॉस फिट करके उसका फोटो खींचा जाता है ताकि अंदर ही अंदर जो भी है तो दिखाई देता। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील आफ्टर देन द एक्सरे। एक्सरे से ज़्यादा जानकारी देने वाला चीज़ है सीटी स्कैन। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई। इतना कुछ करने के बाद भी एक बात अभी भी शक के नज़ारे में है, उसका मृत्यु कैसे हुआ। एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, वो कितने साल के थे मृत्यु के टाइम में, पहले बताया था ना, टीनेज में था। अब वो टीनेज कौन सा टीनेज में था उसका मृत्यु, और उसका मृत्यु कैसा हुआ। किंग टट्स डिमाइस वाज ए बिग इवेंट, डिमाइस यानी मृत्यु, डेथ का दूसरा शब्द है कौन सा, डिमाइस। एंड इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स उसका मृत्यु की बात बहुत बड़ी बात है। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ द डायनास्टी। पहले बता दिया था उसका जो परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी था, और इसलिए उसका मृत्यु का टाइम में बहुत शानदार तरीके से उसका डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर डेथ आर अनक्लियर, लेकिन वो कैसा मरा और उसके पीछे क्या क्या कारण था उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानते। आमन होटप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंड फादर वाज ए पावरफुल फरवो, फरवो के लिए मैंने पहले बोला था राजा को कहने वाला दूसरा शब्द है कौन सा, फरवो, इजिप्ट का फरवो का नाम से कहता है, किंग ऑफ इजिप्ट नहीं कहते, फरवो ऑफ इजिप्ट सेम मीनिंग है। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डेकेड्स एट द हाइस्ट ऑफ द 18th डायनास्टीज गोल्डन एज, उसके शासनकाल डायनेस्टी का गोल्डन एज का नाम से जाना जाता था। हिज सन अमन होटप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्टरी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट।
उनका बेटा उसके बाद अधिकार में आया और उसका समय बहुत इम्पोर्टेंट रूप से लोग जानते हैं। द न्यू फरावो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क, और उन्होंने सूरज को पूजा करने का, वर्शिप करने का, आराधना करने का काम शुरू किया। वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क, एटन यानी सन गॉड को कहते हैं। चेंज हिज नेम टू आखनेतन और सर्वेंट ऑफ द एटन एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखनेतन। उसने अपने कैपिटल को थेब्स से बदलकर आखनेतन रख दिया, नोन एज द अमरना। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग अमन, ये मेजर गॉड। उसके बाद वो एक अमन गॉड का आक्रमण करके स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, का मूर्ति तोड़फोड़ करके उस मंदिर को भी बंद कर दी। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। ऐसा समय के बारे में सोच के देखो धार्मिक लोगों के बीच में कितना लड़ाई हो गया होगा। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशंट थेब्स। थेब्स एक कंट्री है, अमेरिकन कंट्रीज में से एक है। द फैमिली दैट आर रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन आखनेतन वेंट ए लिटिल वैकी, वैकी यानी ओड सनकी, और आखनेतन थोड़ा सनकी हो गया। आफ्टर आखनेतन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेखाकरे appeared briefly and excited with hardly a trace. उसके बाद आया हुआ स्मेखाकरे, कुछ समय के लिए रहा, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। And then a very young Tutankhamun took the throne. उसके बाद Tutankhamun नाम का एक व्यक्ति वहाँ का फरवा बना, किंग टट, आज ही इज वाइडली नोन टुडे, वही है किंग टट। टट का पूरा नाम टूटनखामन। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामन, लिविंग इमेज ऑफ अमन। पहले बताया था ना, अमन गॉड को अटैक करके सत्यानाश किया, मंदिर बंद कर दिया, लेकिन ये अमन का प्यारा निकला एंड ओवरसा ये रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज। पुराना टाइम में जो मंदिर, वो मूर्ति को तोड़ के मतलब ख़त्म किया था, उसको दोबारा चालू करने के लिए कोशिश किया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, वो 9 ईयर्स तक शासन किया एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद अचानक मृत्यु हो गया। अब टीन एज में मर गया, मतलब 9 ईयर्स तक शासन किया, इसका मतलब पूरा टीनेज हुआ, इसका मतलब मर गया तो 9 ईयर्स शासन किया, इसका मतलब उसका जो मृत्यु तो 19 ईयर्स में हो गया होगा। और रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन मम्मी अमंग मेनी इन इजिप्ट। चाहे कुछ भी हो, उसका काम को देखते हुए, उसका फेम देखते हुए इजिप्ट के मम्मी का बीच में उसका मम्मी को भी बहुत स्थान मिला। हाउ मेनी नो वन नोस, कितना मम्मी से किसी को पता नहीं। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगान एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। और वहाँ पर 2003 में कैलकुलेशन करके मतलब देखा तो उस समय 600 से ज़्यादा जो मम्मीज थे। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। इट्स मैन्युफैक्चरर किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड इन डेथ आस इन लाइफ मूविंग
रीगली हेड ऑफ इस कंट्री में। बस उसका जो सीटी स्कैन की बात बता दूं तो किसी ज्योग्राफिकल नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस के द्वारा डोनेट किया हुआ एक सीटी स्कैन से, उसको सीटी स्कैन जैसा जिंदा इंसान का करता है तो इसी का भी कर लिया। ये सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, सिर से लेकर पैर तक 1700 डिजिटल एक्सरे को क्रॉसिंग करके इसका स्कैनिंग करता है। टट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, इंट्रिकेट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, टेक्स वन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। इतना चेक करने के बाद एक ईरी डिटेल मिला, एक स्ट्रेंज इमेज मिला। विथ टच एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक एंड एनाटमी बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट दैट वाज दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। न जाने इसके अंदर क्या शक्ति आया और उसका बॉडी इस तरह से बहुत शानदार तरीका से जो प्रोटेक्ट हुआ था, मतलब खराब नहीं हुआ। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम ए टॉम्ब इन हिज बॉक्स। स्कैनिंग करने का रात को वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स, उसका बॉडी टॉम्ब में से निकाला है। लाइक पाल बेरस दे क्लाइंबड ए ट्रैम क्लाइंबड ए रैम एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जैसे पाल बेरस पालकिन उड़ाने वाला, दोसु एयरली कॉफिन्स, दोसु कैरी कॉफिन, ये उठा के ले जाते ना डेड बॉडी वगैरह, इस तरह से उठाने वाले एक रैम्प स्लोप एरिया पार करके कई सीढ़ियाँ चढ़ के स्वर्लिंग्स एंड आउटसाइड उसमें से वो बाहर लेके आया। देन रोस ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इन टू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, जहाँ पर स्कैनर मशीन रखा था वो लिफ्ट के मदद से वहाँ तक पहुँचा दिया। 20 मिनट्स लेटर टू मैन एमर्ज्ड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न्ड विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। कुछ समय बाद दो जने मिलकर वहाँ से एक फैन उठा के लाया। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, कर्स ऑफ द फरवो जोकड़े गार्ड नर्वसली। लेकिन उसका पंखुड़ी थोड़ा खराब हो गया था, किसी ने बोला ये अब शगुन है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, सब्स्टिट्यूट फैन ला के बस काम जारी रखा। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम्ब। चेकिंग करने के बाद टॉम्ब में वापस डेड बॉडी रखने के लिए वापस भेजा गया। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन द फरवो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। 3 घंटे के बाद जैसा पहले उसका बॉडी रखा था वैसे वापस रख के जो कार्यक्रम किया है। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, उसके बाद एक टेक्नीशियन कंप्यूटर स्क्रीन में इसको चेक किया। ये ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, पिक्सल ने छोटी सी एरिया ऑफ लाइट ऑन द कंप्यूटर दिखाई दिया एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, उसको टेक्नीशियन से हर दिशा में घुमा घुमा के देख लिया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, गर्दन का जब बोन है जैसे एनाटॉमी क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही दिखाई दिया। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज।
एंड ये ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, बाकी एक एक किस्सा जो बताया इस तरह से सब जांच लिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब प्रेशर खत्म हो गए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, सिटिंग बैक ऑन हिज चेयर Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. Report दिया, शरीर का कोई सा भी हिस्सा में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। I did not sleep that night, not for a second reason. नींद नहीं आया उस दिन रात को। I was so worried, मैं बड़ा चिंतित हुआ। But now I think I will go and sleep. अब मैंने सोचा अब मैं जाके आराम से सो सकता है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. जब हम ट्रेलर के उधर से आगे बढ़ा तो हवा बंद होगी। The winter air lay cold and still like death itself in the valley of the departed. मौसम पहले जैसा हो गया। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion. उसके डेड बॉडी जहाँ पर रखा था उसी के ऊपर ओरियन दिखाई दिया। ओरियन ने ये कंस्टेलेशन मृद मृगधारा कहते हैं ना, कंस्टेलेशन सुना होगा, उसका नाम है। अलग अलग कंस्टेलेशन को अलग अलग नाम दे रखा है। यहाँ तो एक ओरियन दिखाई दिया। द कंस्टेलेशन दैट द एंशंट इजिप्शियंस न्यू आज द सोल ऑफ ओसिरिस, लोग मानते इजिप्ट के तो इजिप्शियन गॉड है उसका निशानी है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद के लाइफ में जो गॉड माना जाता है वो वही है। वाचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो देखभाल करता है इस तरह के मरने वालों के आत्माओं के। और इस तरह की एक नज़ारा देखने को मिला। सो द लेसन इज ओवर, रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। So some things are, words are so difficult, so it is very difficult to understand the meaning. So don't go thoroughly, and we simply take the idea from the lesson, that is enough for you. Okay.